उधर के लिए टेंट लगवाया गया ताकि मंत्री जी इधर देख ना पाए, और बताया गया कि यहाँ का रोड वहाँ से बन गया और वहाँ पे बन गया, लेकिन रोड तो बना ही नहीं अभी, आधा अधूरा अभी रोड है, इसीलिए वहाँ पे टेंट उधर के लिए लगवाया ताकि खन्ना जी इधर देख ही ना पाए। इस तरीके की भरी पड़ी है, रोड भी इतना पतरा हो रहा है। साइकिल जय देखो, गली में कुछ कोई निकास भी नहीं, ट्रैक्टर जाता है गेहूँ खनने को, आए कैसे निकले कैसे ना निकले बताओ। कुछ काम ना ही यहाँ कराओ तो फिर तो बाकी है ही सब। आया अपने तरफ नाली और सब कुछ बनवाया, लेटरिन बनवाई, मेरे तरफ कोई काम नहीं करवाया जी। और क्या नाम, किसी को एक भी लेटरिन नहीं दी, हाँ ना तो कुछ, हाँ क्या करवाया, कुछ नहीं किया। नमस्कार, मैं सुमित प्रसाद रांगी टाइम से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज हम लोग लालपुर गांव में है, वार्ड नंबर 23 में है, तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं ये जानने के लिए कि यहाँ पे पहली बार मेरी चुनाव हो रहा है और यहाँ से जो पार्षद चुने जाएंगे तो यहाँ के लोगों को क्या उम्मीदें हैं और क्या काम अभी और बाकी है कि जो यहाँ पे भी काम अभी नहीं हुए हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इन लोग से और बात करते हैं कि यहाँ पे अभी क्या बचा है आपके हिसाब से। यहाँ पे जो अभी पार्षदीय लोग खड़े हुए हैं उसमें से कौन को आप वोट करोगे और क्या उम्मीदें हैं आपको नए पार्षद से यहाँ पे? यहाँ से तो महेश वर्मा जीतेंगे, और काम जब से नगर निगम में लगा है गांव लालपुर, जब से काम शुरू हो गया, चालू हो गया है, चालू हो गया है। और आप बन नहीं है, कुछ बनने को बाकी है अभी, और बस इतना ही करना होगा। ठीक है, और वैसे तो हमें तो उम्मीद है हमारे यहाँ से चुनाव के लिए महेश वर्मा जी लड़ रहे हैं, इनका अच्छा प्रभाव है और अच्छा ही वो है। और इसमें एक बात है, नगर निगम से जो रोड से जो बना रहे हैं इंटरलॉकिंग हमारे गांव में, कृपया इसे सुने और कृपया करके अधिकारी लोग देखें कि जो रोड बना हुआ है शुरू में कितना है, आगे तक जो है पतला हो गया है, इसमें ट्रैक्टर ट्राली निकलने में जो है बहुत ही दिक्कत हो रही है, समस्या है। लोग अपनी बता रहे हैं तो हम एक एक करके पूछेंगे कि यहाँ पे लोगों की अभी भी क्या समस्याएं हैं। जय देखो, गली में कुछ कोई निकास में नहीं, ट्रैक्टर जाता है गेहूँ खनने को, आए कैसे निकले कैसे ना निकले बताओ। आप कुछ कहना चाह रही हैं? अब यही जय देखिए, आप देखिए नाली इस तरीके की भरी पड़ी है, रोड भी इतना पतरा हो रहा है, आगे चल के कहीं बताओ ट्रैक्टर भी नहीं निकलने को जगह है, और जिनकी कहीं चौतरे खस जाते हैं वो लड़ाई लड़ते हैं, लठिया डंडा करते हैं। जैसे कि आप देख सकती हैं यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं, और यहाँ पे आप क्या चाहती हैं कि यहाँ जो पार्षद जो भी खड़े होंगे क्या उम्मीदें हैं आपको यहाँ के पार्षद से? उम्मीदें हैं इस तरीके के रोड इतना चौड़ा होना चाहिए कि ट्रैक्टर भी निकल जाए आराम से, पैदल वाले भी लोग निकल जाए, और नाली की सही सुविधा होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकती हैं, अम्मा आप कुछ कहना चाहेंगी, यहाँ पे क्या समस्याएं से आप लोग अभी जूझ रही हैं और क्या अभी समस्याएं और यहाँ क्या क्या होना बाकी है, कुछ बताइए। बाकी का कुछ काम ना ही यहाँ कराओ तो फिर तो बाकी है ही सब कुछ। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि अभी क्या काम बाकी है होने को, बताइए। लेटरिन है या जेका नाली है जो होने पर, देखो पहले दुनिया को हुआ तो उसमें निकलना कहूँ बीच नहीं रहा थी पानी चलती। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम और लोगों से भी यहाँ पूछेंगे, आप बताइए यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या समस्या है अभी, और आ रहे हैं और जो नए यहाँ पार्षद जो भी होंगे आपको क्या उम्मीद है यहाँ के पार्षद से, और यहाँ क्या तकलीफें अभी भी आपको सामना करना पड़ रहा है? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हमारे गाँव का विकास कराए, और ये देखो नाली आली है ऐसी है अच्छी करवाए, ट्रैक्टर भी नहीं निकल पा रहा है यहाँ पे, और सारी दिक्कतें हैं, और अगर कहें तो लड़ाई झगड़े बनते हैं, और क्या नाम, किसी को एक भी लेटरिन नहीं दी, हाँ ना तो कुछ, हाँ क्या करवाया, कुछ नहीं किया। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ के लोगों की शिकायतें, जैसा कि एक बिटिया है, बिटिया कुछ कहना चाह रही है। कैबिनेट मंत्री जी आए थे तो उधर के लिए टेंट लगवाया गया ताकि मंत्री जी इधर देख ना पाए, और बताया गया कि यहाँ का रोड वहाँ से बन गया और वहाँ पे बन गया, लेकिन रोड तो बना ही नहीं अभी, आधा अधूरा अभी रोड है, इसीलिए वहाँ पे टेंट उधर के लिए लगवाया ताकि खन्ना जी इधर देख ही ना पाए, इसीलिए। जैसे कि बिटिया ने बताया यहाँ पे अभी भी समस्याएं बहुत है, यहाँ पे रोड पिन बिल्कुल नहीं बन रहा है, यहाँ पे ना ही गाँव की रोज सफाई होती है, बस दो दिन हो गए फिर पाँच दस दिन होती नहीं बिल्कुल भी, ये गाँव की स्थिति है, नालियों का बिल्कुल निर्माण ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी सुरक्षा नहीं हो रही है, किसी की कॉलोनियां नहीं आ रही, ना ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कार्य ऐसा होना बाकी है जो अभी तक नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि ये हो?
अरे हमारा दाई रहा है मोदी चाहिए, मोदी का रहे जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं और लोगों से पूछूंगा, आप बताइए यहाँ पे अभी क्या कार्य बाकी रह गया है और नए पार्षद जो भी हैं चुने जाएंगे या जो भी हैं, आपको क्या उम्मीद है यहाँ से और अभी क्या कार्य अभी बचा हुआ है यहाँ गांव के लिए कि आपको लगता है कि ये नहीं हुआ ये होना चाहिए? सर जो भी काम बचा हुआ है, 5 साल जो प्रधानी में जो समय मिला था उन्होंने अच्छा कार्य किया, अब जो है समय मिलेगा तो अच्छा कार्य करेंगे। जैसा कि यहाँ कुछ लोग अभी और लोग हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं यहाँ पे, यहाँ की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। समस्या ये है, प्रधान में इतने कछु काम नहीं करवाया, अपने तरफ नाली और सब कुछ बनवाया, लेटरिन बनवाई, मेरे तरफ कोई काम नहीं करवाया, ये समस्याएं हैं। यहाँ के जो कार्य अभी तक हुए आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट कछु काम नहीं है। तो यहाँ पे जो अभी जो पार्षद में जो भी खड़े होंगे, आपको वैसे क्या कार्य अभी बचा हो, क्या उम्मीद है आपको नए पार्षद से कि यहाँ क्या होना चाहिए और क्या काम बचा है होने को? बोल ले आप। सोचना ये है कि जो आदमी बढ़िया होगा उसी को हम वोट देंगे, जो पिछले आदमी है उन्हें काम नहीं किया तो उनको वोट नहीं देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी कुछ कार्य होना बचा है, हम लोगों से यहाँ पूछ रहे हैं जो यहाँ समस्याएं हैं। जैसा कि आप बताइए आप कहना चाह रही हैं? भैया जहाँ आइए गाँव में भविष्य बढ़िया जाए, कि गाँव में यहाँ घर के अच्छे चुनाव हो, अच्छे घर के गाँव सड़कें बनाए, लेटरिन बनाए, आवास होती आवास ही बनाए, जो है बढ़िया है। अब जब नहीं बढ़िया है कि अपने तो सुरक्षा कर ले अपने मोहल्ला में, हमारे मोहल्ला में गड्ढा खुदा है तो वो बढ़िया नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे समस्याएं हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इनसे भी पूछूंगा, आप कुछ बताना चाहेंगे यहाँ गांव के बारे में? माननीय श्री महेश वर्मा जी यहाँ के पार्षद चुने जाएंगे और उनने अच्छा काम किया, माननीय श्री श्रीमती कुंती देवी उन्होंने इतना अच्छा काम किया, सुरक धाम भी बनवाया, 1000 इंटरलॉकिंग डलवाई और प्लस 80 के करीब में शौचालय ग्राम पंचायत नाल को।